ऊपर देख, छोड़ दूंगा तेरे को, बकवास मत कर, पूरा शक्ल दिखा। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। देखिए, डी बाजार इलाके के अंदर एक शख्स है जो पिछले तकरीबन 5-6 दिन से लगातार यहाँ पर उसकी चहलकदमी लगातार जारी थी, और ये शख्स एक थैला अपने हाथ में लेकर जाता था। इससे जब यहाँ पर जो पुलिसकर्मी जो तैनात थे वो जब पूछताछ करते थे तो ये उनको जवाब देता था कि ये दूध लेने के लिए जा रहा है, और कई मर्तबा इसकी जांच भी हुई है। उस जांच के दौरान थैले के अंदर दूध ही पाया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब ऊपर से ही थैले को देखा जाता है तो उसमें दूध की थैलियां दिखाई देती है। लेकिन आज जो डिग्गी बाजार इलाके में सब इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह थे, एक महिला कांस्टेबल है, जब वो यहाँ पर तैनात थे तो सुबह 6:30 बजे जब ये युवक की चहलकदमी यहाँ पर हुई तो शक के आधार पर इस युवक को रोका गया, और युवक का जो बैग था, जो थैला आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, इस थैले को चेक किया गया। क्योंकि थैले में जिस तरीके से, क्योंकि जब इससे पूछताछ हुई तो इसने कहा कि ये दूध लेने के लिए जा रहा है, लेकिन दूध की मात्रा और जिस तरीके से बैग भरा हुआ था उसको लेकर जो सब इंस्पेक्टर योगेंद्र यहाँ पर तैनात थे उनको शक हुआ, और शक के आधार पर इन्होंने उसकी जांच की। और जांच के बाद आप देखिए तस्वीरों में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि 12 थैलियां यहाँ पर कच्ची शराब की, यहाँ पर जो जहरीली शराब के तौर पर एक तरीके से होती है, वो यहाँ पर नजर आई है। और जब इसके बारे में हमने उनसे और जानकारी ली तो हमको जो सब इंस्पेक्टर है उन्होंने जानकारी दी है कि इस थैले के ऊपरी जो हिस्सा है उसमें दूध की थैलियां होती है, और उसके नीचे की ओर ये शराब की जो थैलियां हैं ये मौजूद होती हैं। तो उन्होंने जब दूध की थैलियां थैले में से हटाई तो उसके बाद उनको ये 12 थैलियां कच्ची नजर आई है। और सख्ती से जब पूछताछ इस आरोपी के साथ की गई है तो उसने बताया है कि ये सांसी बस्ती इलाके से ये कच्ची शराब की थैलियां लेकर आता है और घसेटी बाजार में जाकर इसको सप्लाई करता है। सुबह के समय ये पूरी सप्लाई का गेम चलता है, और इसी को पकड़ने में आज जो सब इंस्पेक्टर योगेंद्र है और महिला कांस्टेबल जो यहाँ पर डिग्गी बाजार इलाके में तैनात है, इनकी ड्यूटी जो है वो महेश मेडिकल से लेकर घसेटी बाजार के इलाके के अंदर है, तो इनको एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। और जिस तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पर जो कच्ची शराब सप्लाई हो रही थी उस चेन को, सप्लाई चेन को तोड़ने में इनको एक मदद मिली है। आरोपी से पूछताछ हो रही है कि आखिरकार इसके अंदर और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि सप्लाई चेन के अंदर शामिल हैं, और इसके साथ साथ किस सांसी बस्ती में, किस इलाके से, किस जगह से, किससे ये कच्ची शराब खरीदी जाती है, और उसके बाद घसीटी बाजार के कौन कौन से जगहों पे कौन इसका आखिरकार मास्टरमाइंड है, उसके लिए पूछताछ जो आरोपी है उससे हो रही है। और जानने की जांच में ये कोशिश की जा रही है कि आखिर वो शख्स सामने आ पाए, उस शख्स का नाम सामने आ पाए घसीटी बाजार में जिसको सप्लाई की जा रही है। तो हो सकता है कि ये जो सप्लाई चेन इस वक्त सब इंस्पेक्टर ने तोड़ी है, इससे कुछ और सुराग भी पुलिस के हाथ लगे और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई भी देखने को अजमेर पुलिस की ओर से मिल सकती है। आज एक लड़का है जो दारू लेकर के जाता था रोज, हथकड़ी दारू थी और कच्ची शराब थी, तो वो रोज़ इधर से दारू लेकर के जाता था, लेकिन हमें उसका शक नहीं था। रोज़ लेकर के जाता था तो यही सुनते थे कि भाई ठीक है, ये कोई दूध लेके जा रहा है, दूध लेके जा रहा है, उससे पूछताछ भी करते दूध लेकर के जा रहा है। एक दो बार वो दूध भी लेके गया था, लेकिन आज हमने उसको पूछताछ की कि कहाँ जा रहा है, कि मैं घसीटी जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, कि दूध लेके जाता हूँ, मेरा घर उधर ही है। उसके बाद हमने कार्रवाई की तो मैंने उसका थैला चेक किया तो थैले में कम से कम 12 थैली उसके पास देसी शराब की थैलियाँ थी। तो हमने उसको बैठा करके उससे पूछताछ की कि भाई कौन मंगवाता है, क्या करता है, तो ऐसा उसने बताया कि भाई मेरे से कोई जो घसीटी के लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि भाई ये दारू आप सासी बस्ती से लेकर के आना और यहाँ भेज देना। कोई उसका नाम था, उसका नाम बुरी नाम था सर। कहाँ से कहाँ ले जाना बता रहा था, कुछ बताया आपको? उसने ये बताया कि मैं सासी बस्ती से लेके आता हूँ और घसीटी लेके जाता हूँ। सर सुबह कितने बजे कार्रवाई करी आपने? सुबह लगभग हमने 6:30 से 7 बजे के बीच में कार्रवाई की। सर कौन कौन टीम के आप थे? मैं और एक लेडीज़ कांस्टेबल ममता थी, सब इंस्पेक्टर योगेंद्र नाम है मेरा। सर कहाँ करी है कार्रवाई आपने? कार्रवाई ये हमारा एरिया है पूरा घसीटी से लेकर महेश मेडिकल तक, डिग्गी बाजार। आपका नाम कपल? मेरा नाम योगेंद्र, सब इंस्पेक्टर।